नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा भाई। ओ तेरी, जोर लगा के। मेरी बारी तो फंस चुकी है भाई, भाई बीच पे आके फंस गया भाई। बाइक्स को यहाँ से उस पार ले जाना होगा भाई। हाईवे व्यू, व्यू देखो व्यू। चले हम निकल चुके हैं घर से, चलता हूँ मैं। सबसे पहले हम काम करेंगे, सबसे पहले अपनी बाइक की टैंक रिफिल करवाते हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे अभी राइड में अपनी बुलबुल पे, बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब भी मैं अपनी भाई बुलबुल पे राइडिंग पे निकलता हूँ ना, तो मुझे ना एक अलग ही सुकून मिलता है। उतने पैसे तो है नहीं जेब में अभी, पर तब भी 100-200 का तो पेट्रोल डलवा ही लेते। पहुँच गए हम और आगे अपने डिस्टेंस। चलते भाई लोग, निकलते आ जाओ। तो अभी जाने हूँ विशु की ओर, थोड़ी ऑफ रोडिंग करने आज। अब अलग ही मज़ा आएगा भाई, ऑफ रोडिंग करने में ना अलग ही मज़ा है। सबसे पहले मैंने अपनी बाइक का टैंक रिफिल करवाया और उसके बाद अपने दोस्त लोग आए। निकल रहे हम विशु की ओर। तो निकलना होगा यहाँ से लेफ्ट, क्योंकि यहाँ से वो शॉर्टकट पड़ता है वो, ठीक है। और अपने भाई लोग अपने पीछे पीछे और अपन आगे आगे। तो भाई ने बोला कि आज भाई ऑफ रोडिंग करने का मूड है, तो चलते हैं आज अपन लोग ऑफ रोडिंग करने। तो मैं भी बैठा ही था घर पे, और भाई सुबह से भूखा हूँ, ना तो कुछ खाया भी, ना चाय ना खाना, खाली सुबह जूस पिया है। तो अब थोड़े मज़े लेके आते हैं ऑफ रोडिंग करके। और ऊपर से मैंने यार परसों ही अपनी बुलबुल को धोया है, और आज से इसकी हालत फिर से ख़राब होने वाली है, ठीक है। चल रहे अपने भाई, चल रहे अपने साथ मेरे पे दूसरे भाई। बहुत ही मज़ा आता है जब आपके दोस्त आपको कॉल करके ये बोले कि आप भाई चल राइड पर चलते हैं। हमको राइड की ओर, हमको जाना है उस वाली पहाड़ी पर। गाँव के साथ बहुत सी यादें जुड़ी है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा नज़दीक है यहाँ से, अब लगभग 1.5 किलोमीटर। तो यहाँ से हमारी ऑफ रोडिंग शुरू होती है। ओ यार वहाँ पर ना अलग ही मज़ा है, वो पानी है यार। आज भी बिल्कुल इस जगह से ना लगभग 85 बार आ रही है यहाँ से, ठीक है। तो बच्चों को देख के ना दिल खुश हो जाता है यार। ऑफ रोडिंग करने में ना बाइक की हालत एकदम टाइट हो जाती है भाई, टायर गिर जाते हैं, बाइक के सस्पेंशन जो भी हो, बट मज़ा आता है, ठीक है। और इसके घर पे बैठे बैठे बंदा क्या करेगा यार, बोर हो रहा था ना बहुत। बस खाली रोड तो खाली आगे तक मिलेगा, फिर तो फुल ऑफ रोडिंग स्टार्ट। व्यू व्यू देखो व्यू भाई। हाईवे स्टार्टिंग में ना इंसान को यार ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि यार ना तो मेरे पास अभी माइक है और ना तो गोप्रो। यार मैंने अपने फ़ोन से भी व्लॉग शूट कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बंदे को भाई। सुबह निकलना, फिर शाम को, शाम तक बाहर ही, फिर शाम को घर वापस आना। मैं आ जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखते यार आगे क्या होता है, बहुत सी यादें ताज़ा होने वाली आगे। और जब भी हम आते थे ना
जब भी हम आते थे तो हम ना यहाँ पे रुकते थे पहले। ये हम पहुँच चुके हैं ऑफ रोडिंग पे। हालत टाइट हो रही है वे। ओ तेरी आरसी का एक मसला है ना भाई की, ये ना नीचे से लगती रहती है। अगर गियर ना करे ना तो भाई नीचे की टनल में घिस जाएंगे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई लोग भी अपन के साथ, और बहुत ही मज़ा आता है कसम से यहाँ पे यार, बहुत ही ज़्यादा। पहुँच चुके और ये अपने भाई लोग, कैसे लग रहा है यहाँ पे भाई? सही है, बढ़िया। तो मन ना ऐसा कर रहा है कि वहाँ पे जाके ना अपन लोग नहाए। अभी हमारे भाई बता रहे कि भाई टास्क तो है कि हमको टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा कि अपनी बाइक्स को यहाँ से उस पार ले जाना होगा। भाई भाई गहराई तो बहुत है पर यार, अगर हम जाए चलो चलते ये पकड़ भाई। If you stuck in water, तो हम निकल रहे हैं अपनी ऑफ रोडिंग के लिए। अभी हम लोगों को ना नदी पार करनी है, तो निकलते हैं अपन लोग, देखते आगे क्या होता है भाई। चले गाइस, आज तो ऑफ रोडिंग करने का अलग ही कुछ सीन है। ओ भाई साहब, मेरे को निकालो। आगे नहीं जा पा रही है भाई। अभी अपन का भाई धक्का दे रहा है। पीछे खींच बाइक को, बाइक बंद नहीं होनी चाहिए भाई, पीछे खींच। भाई बुरी तरीके से फंस चुके हैं यहाँ पे। करे तो करे क्या, यहाँ पे आके बुरी तरीके से फंस चुके हैं भाई। अब उनकी बुलबुल फुल डूबी हुई है पानी में। आप देखते हो हमारे विभय रायल भाई, हम भाई की बाइक का धक्का मार रहे हैं। और मेरी यहाँ से निकल के जाना था बट भाई यहाँ पे तो बहुत बड़े पत्थर है, निकले तो निकले कैसे। वही भाई आपको जुगाड़ बोल ले भाई, आजा टो कर ले, टो अब कर ले टो बाइक को। अभी भाई बुलबुल की आवाज़ साउंड सुनाओ, गई भैंस पानी में। अभी वही भाई चढ़े बुलबुल पे, देखते क्या होता है। धक्का मार। आगे नहीं जा पा रही है बुलबुल टोटल भी। नूडल कर ऐसे में छोड़ना, ये उसको पीछे निकाले। हाँ खींचो खींचो, आजा भाई खींच ले।
आजा। गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। अभी भाई लोग आ रहे, धक्का मार रहे बुलबू को। चढ़ा चढ़ा चढ़ा। इतनी बड़ी भाई किसने बोली खिलाने को? इतनी बड़ी भाई तो क्या करता। यार बाइक ना बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है भाई, निकल रही है निकल रही है। उठा 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 उठा, कहाँ से लेके जाए? वेट कर, कहाँ से? यहाँ से चलते हैं। तुम लोग की बाइक क्या आ जाएगी? ये वाले भाई साहब, आ जा भाई। ओ बहुत चला गया यार, फोन गया था पानी। बच गया? बचा? फोन तो बाल बाल बच गया। चल भाई आ जाओ भाई। यहाँ से निकलेगी यार? यहाँ से निकलेगी, आ जाओ बस। चढ़ भाई, बहुत फिसलन है यहाँ पे। आ जाओ, चल 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 चल। धक्का दे, धक्का दे पीछे से। आजा भाई तू भी। अभी हमारे भाई निकाल रहे हैं भाई को। मार धक्का, धक्का मार, धक्का मार। मार, वेट 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 वेट। आ जाओ आ जाओ भाई। धक्का धक्का दे, धक्का दे। चल चल, आरसी नहीं जा पाएगी, झूठ हो जाएगी। अब भाई आरसी का तो भाई झूठ ही है भाई, आरसी नहीं जा पाएगी अंदर भाई। अभी भाई अब उनकी बुलबुल आ गई है भाई। बहुत ही मेहनत करने के बाद, कपड़े वपड़े गीले करने के बाद फाइनली बुलबुल क्रॉस हो चुकी है। अब भाई की बारी, देखते क्या होता है ड्यूक का। बुलबुल तो चली गई, आ जा भाई। नहीं आ रही है क्या? मैं ट्राई करके देखूं। अभी बाइक की बाइक को ले जाना है भाई। खींच खींच खींच, फिर से इधर से खींच खींच, इधर खींच दे। गिराना नहीं, गिराना नहीं। भाई भाई पकड़, में पत्थर डालता हूँ, मैं पत्थर निकालता हूँ, ठीक है? आगे वाला टायर ऊपर चला है। वेट वेट भाई, पत्थर पत्थर पीछे, बस अब पीछे से खींचो उधर। हाँ उधर उधर खींचो, उधर इधर आए। अच्छा अपने राहुल भाई जो कि पहलवान की तरह भाई को खींच रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो भाई। तो फाइनली बाइक ने भी अपनी मंजिल तय कर ली है। बुलबुल स्टार्ट ही, अभी देखते बुलबुल के हाल क्या होंगे। ठीक है आ जा, आ जा आ जा। धक्का आ जा रायल, आ जा भाई लोग, आ जा रायल, पकड़ लेते हैं। देख सकते हो गाइस आप, बाइक फंसी हुई है। और हमारे दद्दू भाई जो के बड़ी हेल्प कर रहे हो भाई की।
कुबी भाई की हेल्प करके, लेकिन नहीं कर पाए नहीं कर पाए यार, अपन कमजोर चिकन लेग पीस है भाई। बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे अभी, ऊपर से गर्मी नीचे से सर्दी। हाय गर्मी, हाय गर्मी। यहाँ पर बाहुबली अपनी बाइक को खींच जा रहे हैं। बाहुबली बाहुबली पूरा जोर लगा रहे हैं, बट हटा ले पहले। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, वेट 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 भाई 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 भाई, एक्सीलेटर बंद है। आ जा सही भाई, ठीक है, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, मुझसे को चढ़ा देना भाई। तो यार अपने भी भाई भी आ गए, तो फाइनली हमने अपनी आधी डेस्टिनेशन पूरी कर ली है। अब हमको जाना होगा यहाँ से उस पर, प्लेट चेक कर लेते भाई कैसा सीन है अंदर से। भाई बट पत्थर बहुत है भाई इधर, बट ठीक है वो भी आ जाएगी बाइक। ऊपर से यार, ऊपर से गहराई ज़्यादा है, ऊपर से ना गहराई ज़्यादा है भाई। इधर पता है सीन क्या, इधर पता है मैम कौन सी बनेगी हमारी बाइक्स की, गई बैस पानी में ही री री। हाँ ना, हाथ में लगी तेरे तो ठीक है। पानी तो बहुत गहरा है भाई, वो पत्थर ही बहुत बड़े हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो भाई। मन कर रहा है मैं अभी डुबकी मार लूँ, बट भाई अपने फ़ोन की ना वाट लगेगी वो भी, यहाँ पर ना बाइक्स की वाट लगेगी भाई। मैं आप लोग जाओ भाई, मैं नहीं आ रहा। वो भी जा रहा है सबसे पहले, वो भी आप जा रहे हो सबसे पहले, आप जा रहे हो सबसे पहले। नहीं यार नहीं जाएंगे क्या भाई, तू जा पहले। आज तक मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। और गाइस ये हमारे ऋतु भाई भीग चुके हैं पूरी तरह से पानी से। ये हमारे उबी भाई टाइट है पूरा, उबी भाई को लगा यहाँ से निकलेगा लेकिन इम्पॉसिबल, नहीं निकलेगी बाइक। दूर से मीठा लगता है ये कड़वा लड्डू प्यारा भाई, अगर पत्थर नहीं होते ना फिर निकल जाती, बड़े बड़े पत्थर है वहाँ पे भाई, नहीं निकलेगी यार, नहीं निकलेगी वहाँ से, इम्पॉसिबल भाई। बड़ा मुश्किल काम है, हमारी हालत है यहाँ पे टाइट हो गई पानी, देखो भाई इतना सा पानी है, इतना सा चुलूबर पानी बोलते हैं ना वही है, एंड उससे हमारी हालत जो है वो टाइट हो गई। मैंने उनको बोला ये चीज़ को कैंसिल करते हैं, अब जाते हैं टो करने के लिए भाई, मजा आने वाला, ठीक है। फिलहाल बाइक्स को यहाँ से ऊपर करते हैं, फिर से ना हमारी हालत जो है टाइट होने वाली है, और एक बंदे की आर्मी टाइट हो चुकी है, देख लो वो लटक रहा है पानी में, इतना इतना सा पानी है उसमें लटक रहा है, फंस गया। जा बाहुबली इसको धक्का दे के, आप बाहुबली को हम लोग बेच रहे हैं, ये धक्का देने जाएगा, जे बाहुबली जा, जा बाहुबली गली गली तेरी ला चली, बाहुबली गया जियो रे बाहुबली। अभी अपन का छोटा भाई निकल रहा है, ये अपन का छोटा भाई है, भाई को धक्का देने जा रहा है। अभी तो बाइक ही फंस गई है, तो और टास्क पूरा करने की हम अपनी बाइक्स को उधर ले जाए, बट भाई अगर बाइक उधर ले जाएंगे तो यार पत्थरों पर ना बहुत ज़्यादा फिसलन है, अगर बाइक फंस गई तो भाई रात भर यहीं पर बैठना पड़ेगा भाई। आज का प्लान कैंसिल ही करते हैं कि पानी भी थोड़ा ज़्यादा ही है, तो अब निकलते हैं अपन लोग, चलते हैं अपन लोग, देखते क्या करते भाई आगे। हमारे एक बंदा तो आए, चल तो उसका एक बंदा तो पार हो गया भाई, अब निकल रहे हमारे वो भी भाई, देखते क्या हालत होगी इनकी। मैं भी निकलता हूँ उनके साथ ही, निकल रहा हूँ मैं बुलबुल को लेके, देखते कौन सा सीन होगा वहाँ पे, निकलने का वो पत्थर हटा बीच में से, हो बीच पत्थर है वाला, आप उनकी टांग में भी लग गई भाई। उन लोग निकल रहे हैं यहाँ से, यहाँ से तो यार भाई बहुत बुरा हाल हो गया।
जाओ, दिक्कत हो रही है भाई, पत्थरों पे से। अब उनके भाई पीछे रह गए, उनका वेट करना पड़ेगा भाई। आ चुके अपने रायल भाई। वो मेरा फोन ना पानी में से गीला होते होते हुए बचा है, तो मेरी टांग भी लग गई यार थोड़ी। हाँ भाई क्या सीन है, इधर ही नहीं निकली है बाद में। आर सी और ड्यूक का पावर चेक करने वाले यहाँ पे। गाइस देख सकते हैं आप, अब देखते गए जब वो भी चढ़ा मेरे बाइक पे। बाइक का पावर चेक कर रहे थे तो मेरी बाइक की ना चेन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, बाइक चल ही नहीं रही है भाई। आप देख सकते हो भाई, बाइक निकल रही है बट चल नहीं रही है भाई। अभी मेरी बाइक यार बहुत ही गंदा सीन हो गया मेरी बाइक के साथ। उस बाइक में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई है चेन किट में। अब पावर, अगर पावर चेक करो तो भाई ऐसे नहीं यार, बहुत ही गंदा सीन हो गया मेरी बाइक के साथ। अबे भाई आज घर से रस्सी लेके आए थे कि भाई घर से रस्सी ले गया, बाइक में टो करना पड़ेगा, तो आज ना सच में टो करनी पड़ी बाइक भाई पीछे। हाँ कम ही रखेंगे क्योंकि बाइक अच्छी चली है ना। वो हैंडल ब्लेड टूट जाएगा भाई, थोड़ी सी ऊपर जा रस्सी, रस्सी थोड़ी ऊपर ले जा, हैंडल ब्लेड टूट जाएगा इसका। ऊपर ले जा, ऊपर ऊपर ऊपर। चल ठीक है अब चले भाई। अभी हम बाइक को ना भाई टो करके ले जा रहे हैं यार, बाइक के साथ ना बहुत गंदा सीन हो गया भाई। तो सर अब उनकी बुलबुल यार, हम ना पहले घर से सोच के आए थे यार ऑफ रोडिंग करेंगे थोड़ी बहुत, तो ऑफ रोडिंग करते हुए ना बाइक में थोड़ी सी, आप देख सकते हो भाई अपनी बुलबुल को टो करके ले जा रहे हैं इसको हम। और रस्सी टूट गई भाई, स्टैंड करो सर, स्टैंड करो सर, स्टैंड को ऊपर कर ले। होता है कभी कभी हर किसी इंसान के साथ, ठीक है। फाइनली हम घर पहुंचने वाले हैं, घर जाके सबसे पहले ना मैं अपने कपड़े चेंज करूंगा क्योंकि यार कपड़े इतने गीले हो चुके हैं यार, क्या बताऊं आप लोगों को यार। और यार लगभग 5-6 किलोमीटर से यार अपनी बुलबुल को ना मैं टो करके ला रहा हूँ यार। अभी ना अभी भाई इस पे बैठे हुए हैं, अभी अभी भाई की बाइक पे। आज यार मन कर रहा था यार ऑफ रोडिंग करने का, बट यार जैसे हम ऑफ रोडिंग करके आए ना तो हमने सोचा बाइक की पावर चेक करते हैं, तो बाइक की पावर चेक करते करते ना थोड़ी बहुत कलच फिसल गई, अपना बाइक में टो करके लानी पड़ी करता यार। अब यार आज तो यार सब शॉप बंद ही, संडे और कल तो 15 अगस्त से कल ही बंद ही रहेगा। अब तो सीधा डायरेक्ट उससे हम घर पहुंच चुके हैं। अभी वो भी मेरी बाइक की रस्सी खोल रहे हैं यार। अब तो अपनी बिल्कुल परसों ही ठीक होगी क्योंकि कल भी बंद है। तो मिलते हैं आपसे सीधा परसों, तब तक के लिए बाय।